गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्नोक्रेट्स आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में रियलमी 8 5G के बारे में बातचीत करने वाले हैं, इसका क्विक ओवरव्यू करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूं कि रियलमी 8 5G से पहले रियलमी 8 आया था और उसी फोन को कुछ चीजें अपग्रेड करके, कुछ चीजों को डाउनग्रेड करके आपके सामने 5G का एक बजट फोन पेश किया गया है। तो अपने 5 टॉपिक पर बात करेंगे, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी एंड। सबसे पहले अपने प्रोसेसर के बारे में अगर मैं आपसे बातचीत करूं, यहां आपको देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 700MT जो कि एक 5G प्रोसेसर है और 7 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है। और इसी के साथ इसका CPU जो है वो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो कि 2.2 GHz के ऊपर काम करता है। ग्राफिक्स कार्ड की बात करूं तो यहां आपको मालिफ G57 देखने को मिलता है। अब अपने दूसरे टॉपिक डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहां पे सुपर अमोलेड डिस्प्ले से आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 8 5G में। दूसरी चीज, यहां आपको 6.4 इंच से 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, यानी कि साइज तो बढ़ गया लेकिन डिस्प्ले का टाइप जो है वो डाउनग्रेड हो गया है, सुपर अमोलेड से IPS LCD पे आ गए। पिक्सल डेंसिटी की बात करो तो 411 पिक्सल डेंसिटी से सीधा 405 पे आ गए, अगेन यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है। तो कहीं ना कहीं बजट फोन बनाने के लिए कुछ चीजें अपग्रेड, कुछ चीजें डाउनग्रेड की गई है, जैसे कि मैंने पहले बोला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ आपको डिस्प्ले में ही पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में चेंजेस नहीं मिलेंगे। 90.5 का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और यदि अब इसके थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कैमरा, इसके ऊपर अगर बातचीत करें तो यहाँ आपको डाउनग्रेड देखने को मिलता है। पहले आपको वहां पे 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं लेकिन 8 5G में आपको सिर्फ 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद भी 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरे थे। यहां आपको देखने को मिलेगा Realme 8 5G में 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। तो आप समझ सकते हैं कि कैमरा में कितना कमी की गई है सो डेट कि एक बजट फोन बन सके 5G कैटेगरी के अंदर में। इसके अलावा इसके सेंसर में भी आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। पहले सीमो सेंसर यूज हो रहा है, यहाँ पे आइसोसेल का सेंसर यूज होगा। और अगर वीडियो की क्वालिटी की बात और वीडियो की फुटेज की बात करें तो आप 8 में 4K वीडियो शूट कर सकते थे 30 फ्रेम पर सेकंड पे, बट यहाँ पे आप फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड। और यदि इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कैमरा का मेगापिक्सल तो सेम देखने को मिलता है बट सेंसर चेंज है जो कि डाउनग्रेडेड है। और यदि अपने चौथे पॉइंट बैटरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ आपको पहले भी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही थी और अब भी मिल रहा है। बस फर्क इतना है, पहले वो डार्ट चार्जिंग सपोर्ट करता था और अब ये क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है। यूएसबी केबल की बात की जाए तो यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। और अपने आखिरी पॉइंट प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट कनेक्टिविटी, यानी पहले वो 4G डिवाइस था, अब ये 5G बैंड को सपोर्ट करता है, यानी कि 5G डिवाइस है। इसके अलावा आपको वाईफाई सपोर्ट जो लेटेस्ट देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ आपको 5.1 का वर्जन, इनके लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा। इसके अलावा AGPS का सपोर्ट मिल जाता है। सेंसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लाइट सेंसर, प्रोमिक्सिविटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर और जायरोस्कोप सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। बट फर्क यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको पहले ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था बट यहाँ आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जो कि पावर बटन के साथ अटैच है। तो दीज आर द डिफरेंसेस, जहाँ पे बेसिकली सिर्फ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, यानी कि 5G को बनाने के लिए कुछ अदर फैक्टर्स, जो कुछ अदर चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया है। और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो पहले भी आपको 14,999 में बेस प्राइसिंग आपको मिल जाती थी और अभी भी आपको 14,999 में बेस प्राइस पे मिल जाएगा, यानी कि प्राइसिंग को कांस्टेंट रखा गया है, चाहे आप रियलमी 8 ले या रियलमी 8 5G ले। लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कैमरे की क्वालिटी के साथ, प्रोसेसर की क्वालिटी के साथ, सेंसर की क्वालिटी के साथ और डिस्प्ले के PPI के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बेसिकली लेना चाहते हैं, दोनों का कंपैरिजन खुद से भी चेक करना चाहते हैं और डिटेल में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में Realme 8 और Realme 8 5G दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बताया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है मेंशन कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये जो नीचे सब्सक्राइबर काउंट दिख रहा है ये बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।